बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे खानपुर। शादी समारोह में पहुंचे शिवपाल यादव वर वधू को दिया आशीर्वाद। बीएसपी हैं किसानों के साथ, भाजपा के राज में किसानों को हो रहा है शोषण, जमीन पर भी खतरा, बिल से केवल पूंजीपतियों का होगा फायदा। किसानों को गेहूं, धान, मक्का की खरीद में नहीं मिला निर्धारित समर्थन मूल्य। बहुमूल्य के बल पर सरकार कर रही है मनमानी। नोटबंदी, जीडीपी के साथ देश की अर्थव्यवस्था हो रही है चौपट। यूपी में हत्या, अपराध और घूसखोरी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा। पंचायत चुनाव में पार्टी की नहीं होगी भूमिका। 2022 में छोटी बड़ी पार्टियों और धर्मनिरपेक्ष लोगों के साथ गठबंधन से लड़ेंगे चुनाव। ओवैसी से अभी तक नहीं हुई बात। लता जी के बेटे के रिसेप्शन है तो वर वधू को आशीर्वाद देने आए हैं। तो वर वधू को हमारे आशीर्वाद, हमारी शुभकामना, और दोनों जोड़ी को सफलताएँ मिले। शिवपाल जी, किसानों को लेकर आपकी पार्टी किस तरीके के सपोर्ट में उतरी है मैदान में? देखिए, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और सबसे ज़्यादा किसान का जो उत्पीड़न हो रहा है, किसानों का जो शोषण हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार लगातार ऐसे बिल ला रही है जिससे किसानों की खेती पर खतरा भी मंडरा रहा है और इससे फिर किसानों का उत्पीड़न भी होगा, शोषण होगा, और इससे फायदा होगा केवल पूंजीपतियों। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार ऐसे ऐसे कानून पास किए, जैसे पहले तो इन्होंने नोटबंदी का काम किया तो नोटबंदी का परिणाम निकला, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई। आज जीडीपी माइनस में चली गई, वो भी कितनी माइनस 23% माइनस में चली गई। किसानों के हित में क्या मतलब पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे? देखिए, अभी हमने आपको बताया 7 तारीख को पूरे विदेश के मुख्यालय पे हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया और ज्ञापन भी दिया है। सर, आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के प्रगतिशील समाजवादी की क्या रणनीति है? देखिए, पंचायत के चुनाव में, ग्राम सभा में जितने भी प्रधानी का चुनाव होता है उसमें तो हमारे पार्टी न्यूट्रल रहती है। जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख ही, और फिर जिला पंचायत के चुनाव में जरूर भाग लेते हैं। शिवपाल जी, टोल प्लाजाओं पे आज से किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या पार्टी उनके साथ में? हाँ, किसानों के साथ। शिवपाल जी, 2022 में बसपा का क्या रोल रहेगा? 2022 की रैली में क्या किसी के साथ अलायंस करने की बात है? देखिए, 2022 के लिए हमारे पार्टी का पूरा संगठन अब तैयार हो रहा है। पूरा देखिए, जिलों में हमारी पार्टी का संगठन खड़ा हो गया है, विधानसभाओं में भी हमारी पार्टी का संगठन खड़ा हो गया, और 24 दिसंबर से हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी के नेतृत्व में अनिवार्य रूप से 5-5 गांव प्रत्येक दिन वहां पर जन संपर्क करेंगे, चौपाल मीटिंग करेंगे। पार्टी किसी के साथ अलायंस करने जा रही है? हाँ, अलायंस करेंगे। किसके साथ करेंगे? अभी तो बहुत समय है, बातचीत करेंगे। किससे बातचीत? सपा से बातचीत चल रही है। छोटी छोटी पार्टियों से भी करेंगे, राष्ट्रीय पार्टियों से भी करेंगे। सुनने में आ रहा है ओवैसी की पार्टी के साथ आप अलायंस करेंगे? देखिए, ओवैसी से अभी तो हमारी बात नहीं हुई है जी, अगर वो बात करना चाहेंगे तो जरूर करेंगे।
क्या सपा का क्या माइंड सेट है कि सब अलायंस करेगी, क्या वो विचारधारा रखती है सपा का जो ओवैसी की पार्टी है? देखिए, जितने भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं हम उन सब से बात करेंगे। अखिलेश जी फिर से हाथ मिलाने के लिए इच्छुक हैं ऐसा कर? अभी तो हमारी बात हुई नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम चाचा हमारी बात चीज हो चुकी है। हमारी बात तो नहीं हुई अभी। इंडिया बैंक न्यूज़ से ब्यूरो रिपोर्ट।